सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय, यू गाइस आर वाचिंग किंग लिफ्टर। सो गाइस, बहुत दिनों का सपना था और बहुत दिनों से मन भी था जाने का, आज तक मैं गया नहीं था। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन फैमिली के साथ। तो आपको वृंदावन की गलियों के जो भी चीज़ें सब दिखाएंगे, वृंदावन में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको फ़ोन से ही हम पूरा वृंदावन घुमाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। सुबह के 5 बजे थे, अपन हो चुके हैं रेडी कुलते उलते में, बाकी चलते हैं। ऑस्कर वहाँ जा नहीं पाएगा, तो ऑस्कर दोस्त गया थोड़ा। ऑस्कर ओए इधर देख बेटा, ओए गुस्सा नहीं होते बेटा, आके तुझे मना दूँगा। पेड़े खाएगा ना, पेड़े में मान जाएगा, एक पेड़े में मान जाएगा। चल ठीक है, चले पेड़े लाऊँगा। ठीक है, बाय बाय बोल दे, बाय बाय बोल दे, बोल दे, चल बाय बाय बच्चा, चला जा चले। सो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। अभी हमने करी है पेट पूजा, और अपनी हमेशा की तरह हेल्थ तो अपनी पावर देगी देख रहने के लिए, देख के हंस के लिए वीडियो में आना है मम्मी है गाइस मम्मी। सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, पेट पेट भर के अपना। अभी हम जा रहे हैं अंदर, जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर है, आपको क्लिप बहुत प्यारी प्यारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बस आप फील करो कि कितने धार्मिक फील आएगी आपको क्लिप देख के ही, तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लिप इन्जॉय करो और सभी को राधे राधे। बस बस जवान लड़का है, गिर जाएगा। फुगड़ी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताइए ना। फुगड़ी झिंगा पिंगा खेलता है ना। महाराष्ट्र से, अभी हम महाराष्ट्र में थे, नागपुर जिला में। नागपुर हो गया आपका उस साइड, पूरे जो भी जिले हैं आसपास, भंडारा वगैरह हो गया, हम सारा गए हुए वहाँ पे। अच्छा पूना। तो इस मंदिर के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा, भाई बताएगा, बताओ भाई। ये मंदिर 2001 में बनाया गया था, और एक ये मिसाल है जो अभी तक वीडियोस में देखा होगा आपने, ये मिसाल है एक पुराने आर्किटेक्चर का और मॉडर्न आर्किटेक्चर का, दोनों का मिक्सअप है प्रेम मंदिर। यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा मंदिर शायद से ही बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, और शायद से मैंने नहीं देखा अभी तक। बहुत सारे मंदिर मैंने एक्सप्लोर करे हैं अपनी लाइफ में, पर ऐसा मंदिर जो कि दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है, एक अपना पुराना अगर बात करें तो पुरातत्व, करेक्ट, हिस्टोरिकल टेम्पल प्लस मॉडर्नाइजेशन, दोनों को ग्रैब करता है ये मंदिर, दोनों को एक साथ लेके चलता है। तो ये है इस मंदिर का कहीं ना कहीं खासियत जो मैंने अभी तक देखा अपने हिसाब से, जो मैंने जज किया इस मंदिर के बारे में। सबके लिए आशीर्वाद ले लिया भाई। बहुत सारी जगह है यहाँ पे, है ना, वृंदावन पता है क्या, यहाँ पे जो मैंने देखा क्लिप्स में आपने देखा होगा कि दिल्ली का ट्रैफिक है ना, दिल्ली का ट्रैफिक अगर मैं बात करूँ तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं दिल्ली के ट्रैफिक में, कि भाई गाड़ियों का इतना ज़्यादा जमावड़ा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ के ट्रैफिक की ना, यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक है,
यहाँ पे जितनी दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं है उससे ज्यादा इस सड़कों पे लोग हैं, ठीक है। पर ये जो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक नॉर्मल नहीं है भाई, ये आस्था का ट्रैफिक है। ये लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है ना मंदिरों से, इस जगह से, इस स्थान से, यूपी में एक ऐसा स्थान दिल्ली के पास, दिल्ली एनसीआर के पास, शायद से हर एक इंसान को यहाँ पे एक बार आना चाहिए, वृंदावन में समय बिताना चाहिए। एक घंटे के लिए आओ, एक मिनट के लिए आओ, पर यहाँ पे आओगे ना तो शायद से ही मन करेगा जाने का वापस। मेरा ये सेकंड टाइम है, शायद से मैं अगली बार भी आऊँगा, दोबारा बुलाओ आएगा, दोबारा आऊँगा और फिर आऊँगा और फिर आऊँगा। भाई मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, क्या करेगा यहाँ से, कौन जाएगा, कौन जाना चाहता है भाई, यही रह जाए। यहाँ की शोरगुल अच्छी है भाई, बाहर की शोरगुल में सीटियाँ हैं, बकवास चीज़ें हैं, दस चीज़ें, यहाँ की शोरगुल में सिर्फ बराबर आनी है और इंसानियत जिंदा है, इंसानियत यहाँ पे जिंदा है। सो गाइस, हिस्ट्री तुमने जान ली, इससे ज्यादा मैं डीप में और तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता जितने अच्छे से भाई ने समझा दिया। देखो डीप में नहीं था यार ये डीप, अगर तुम्हें देखना है ना तो जाके गूगल पे देखो भाई, ठीक है। मैं कोई भी चीजों पे छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये प्रेम मंदिर में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन दोनों को एक साथ लेके लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हो गया, ढाई मिनट हो गए यार। आप आओ क्लिप में, आपका सपना था यहाँ पे आना है, मतलब घूमना यहाँ पे है, कैसा लग रहा है आगे? छोटी पड़ गई है थोड़ा, रुको आप बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश हो ना भाई? कुछ लोगों के लिए मंदिर है, कुछ लोगों के लिए स्थान है, पर हमारा सपना था, हमारा सपना था, ये पूरा हो गया, बहुत खुशी मिली ना। अब चलते हैं दूसरे मंदिर में और जगहों पे घूमते हैं, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे। सबके लिए आशीर्वाद ले लिया भाई, सबके लिए, ठीक है, जो भी देख रहा है सबके लिए आशीर्वाद ले लिया भाई, ठीक है। भाई अभी आ चुके हम घाट पे, अभी जाएंगे बोटिंग करने। ये देखो भाई व्यू देखो कितना प्यारा है, और यहाँ पे एक ही घाट नहीं है, बहुत सारे घाट हैं, सबका नाम अभी पूछेंगे तो बताएंगे आपको, मुझे पता है कुछ के नाम बट अच्छे से एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। बाकी ये सारे घाट हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, बोटिंग करने चलते हैं। आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होगी वीडियो, अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा प्यार दिखाना, ठीक है। ये देखो बाकी यहाँ का, इसके पीछे भी हिस्ट्री है गाइस। बाकी चलो चलते, हाँ ये रहा सामने, यहाँ पे वो किया था जीर वस्त्र किया था राघोड़ जी ने। अच्छा वो भी नारी थी ना, उनकी वस्त्र चलाए थे वो वाला जगह। अच्छा ठीक है।